गाइस अस्सलाम वालेकुम, सतरकाल, नमस्ते। तो कैसे आप लोग, इट्स सिलेंडर विद माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग, ठीक है। आज है जाकर के फ्राइडे और 14th जनवरी, ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों को जुम्मा मुबारक भी। सो अभी मैं उठ सोकर के उठ चुका हूँ, सुबह के बज रहे 7:40। और बेसिकली मैं इतनी जल्दी सुबह उठता नहीं हूँ क्योंकि भाई मेरा आदत जो है ना वो है 10-11 बजे सुबह होता है मेरा, मतलब 10-11 बजे मैं सोकर के उठता हूँ। तो मम्मी भी काफी परेशान रहती है, आज मैं बहुत जल्द उठ गया तो मम्मी का रिएक्शन देखना है जाकर के कि मम्मी कैसा रिएक्ट करती है। तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के और वहाँ जाकर के जल्दी से फ्रेश होते हैं और मम्मी का रिएक्शन देखते हैं। अपना सारा सामान वामान यहीं पे पड़ा हुआ है, मैकबुक वगैरह, फोन भी यहाँ पे ही पड़ा हुआ है जो कि वीडियो कल मैंने एडिट करके सोया था। बाहर का वेदर देख सकते हो, पूरा ठंड बच रखी है एकदम, चारों तरफ कुहासा ही कुहासा। तो अगर मम्मी पापा ने फिलहाल कुछ रिएक्शन दिया नहीं, बाद में पूछ लेंगे। अपन अभी चलते हैं, जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। तो अब भी बज चुके हैं 8:40, मैं हो चुका हूँ प्रॉपर फ्रेश एकदम, देख सकते हो गोरा भी दिख रहा है। इधर अपना सुबह का काम मम्मी पापा लोग कर रहे हैं, काशी बना रहे मेरे से अंडा का भुजिया, चना बना रहे हैं। अम्मी चाय दिया, मैं चना यहाँ तेरा टाइट आज, ये रही अपनी चाय, बिस्कुट में ऊपर में बिस्कुट। गाइज निकल रहे बाहर क्योंकि मुझे ब्लॉग्स अपलोड करना है और मेरे पास उतना डाटा नहीं रहता है, 1-2 GB का डाटा ही रहता है जिसमें कि वीडियो अपलोड कर दूंगा तो दिन भर यूज क्या करूंगा। अभी फिलहाल चल रहे हैं मोहल्ले में ही, एक जगह वाईफाई धरता है फ्री का, राजा भैया का, तो वहाँ जा करके देखते हैं उनका भी वाईफाई ऑन है या नहीं, उसके बाद आगे बात करते हैं। आज का मौसम भी कुछ ज्यादा अलग है। अरे हाँ, आज तो मकर संक्रांति है ना, दही चूड़ा का दिन। हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो। एंड एक चीज हाँ गाइज, मेरा ये जो फोन का है ना चार्जर, रानीगंज में ही छूट गया जब मैं गया था रानीगंज अपने छोटे में पहुंचाने के लिए, ये फोन बैटरी डेड हो चुका है। रिसीवर मेरा ब्लॉग है, ऑन हो जा भाई, ऑन हो गया, बस जल्दी से अपलोड करेंगे इधर से, उसके बाद निकलेंगे घर वापस। गाइस लकली ठीक है, मेरा यहाँ पर वाईफाई धर चुका है, अब मैं जल्दी से वीडियो को पोस्ट मारता हूँ। मैंने रात में ही लगा करके रख दिया था वीडियो अपलोडिंग में, ये देखिए आप लोग अपलोड हो रहा है, अब देखता हूँ कितना टाइम लगता है इसे अपलोड होने में। तो लिटरली गाइस बहुत ज्यादा ठंड है बाहर में, ठीक है, और इधर वाईफाई भी बहुत खराब हो रखा है, ये देखो इतना ज्यादा टाइमिंग दिखा रहा है। ऑलराइट गाइस, अभी जा करके मैंने लैपटॉप से कर लिया करके अपना वीडियो अपलोड क्योंकि भाई वहाँ पे हो ही नहीं रहा था और बाहर में लिटरली बहुत ज्यादा ठंड था। और भाई को तो पहचान होगी अपना सोहेल भाई, हर वक्त साथ रहता है साइबर के मामले में, ऐसे कोई साथ नहीं देता ये बंदा, मतलब ही है। हम सेल्फी और कह भी रहा है ये बंदा कि हम सेल्फी से, वाह भाई। लेकिन जो भी हो लड़का टेढ़ा है पर मेरा है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है कंप्लीट, थैंक्स टू सोहेल भाई एंड साहिल भाई। तो अभी फिलहाल चलते हैं, थोड़ा गाड़ी वाड़ी सेट करवा लेते हैं क्योंकि वेट लग रहा देखने में, इधर बगल में ही मेरा सैलन है, आते हैं अल्लाह हाफिज़। बगल में ही रहा हमारा रॉयल मेंस पार्लर, फ्री हो गए जी, टाइम है, कितना टाइम लगेगा गाइस। यहाँ पे है थोड़ा बड़ा लेट, ऑलरेडी कस्टमर्स बैठे हुए हैं राजा भाईजन के पास, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं सोहेल भाईजन के साइबर में। तो अभी आ चुका हूँ घर के साथ, खाना खाना स्टार्ट अपना, मेरा रोटी और अंडा का भुजिया, क्या बोल रही, मेरा पैर साफ है, खाते तो अभी ना मैं अपना फोन लेकर के जा रहा हूँ दानिश के घर क्योंकि दानिश के घर पे ये आईफोन का चार्जर। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ दानिश के घर। अरे ये रही बंदा अभी सो करके उठ रहा है, गुड जॉब ब्रो, गुड जॉब। ऐसे ही मेरे सो करके उठोगे तो आगे कब बढ़ोगे भाई, रुको स्विच ऑफ करने में तो 1% है। चलते है अभी वापस से घर क्योंकि भाई बाहर में बहुत ज्यादा ठंड है, वैसे भी आज जुमा है यार तो आज नहाना पड़ेगा ही। क्या भाई सलाम कर दो, वालेकुम सलाम, ये लोग है छोटा सा, लाइक करे सब्सक्राइब करे और शेयर नहीं करे, और शेयर करे, छोटे बच्चे लोग बहुत बोल रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर एकदम जरूर से कर देना। इधर पापा अभी आलू चोखा बना रहे हैं, आलू चोखा बनाते के साथ साथ देख रहे हैं मेरा ही ब्लॉग देख रहे हैं। कौन आलू चोखा है, टमाटर वाला चोखा, उसको बना रहे चढ़ा के पकाना पता है। तो अभी टाइम हो चुका है 11:10, अभी मेरे को जाना है नहाना है क्योंकि 12 बजे से पहले नहा लेना क्योंकि 12 बजे अजान होती है, 1 बजे जमात होता है, तो जाते पहले नहा देते, नहाने का तो मन एकदम नहीं है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ठंड है, जल्दी से नहा लेते हैं उसके बाद ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी बज चुके हैं 11:30 और अभी मेरा वक्त हो चुका है पीनट बटर खाने का, माय फिटनेस का पीनट बटर ब्राउन ब्रेड के साथ। इधर मेरा आ चुका है ब्राउन ब्रेड, ये जिससे कि मेरी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। अभी फिटनेस को लेकर के मैं कुछ ज्यादा ही डेडिकेशन में हूँ। तो अभी गाइस वक्त हो चुका है 12:40 और अभी मेरे को जाना है मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, वजू मैंने बना लिया, पापा भी उधर रेडी हो चुके हैं, चले चलिए चलते हैं। तो अभी आ चुके हैं नमाज पढ़ करके, अभी खाना निकालेंगे और पापा इधर छान रहे हैं पापड़, आज दिन भर का आपको मिल गया, ठीक है ना, आज पापा बन गए बॉर्ची दिन भर का। एंड हाँ एक चीज और, पापा का हाथ का खाना बहुत अच्छा रहता है, टेस्टी बनाते हैं, पापा को बोले मास्टर शेफ में चले जाओ, लेकिन पापा गए नहीं, क्या मालूम क्या है। अपना चना बना हुआ है, चावल, दाल, चोखा, पापा बने
सब चीज पापा बना दिया। तो अभी गाइस हो चुका है शाम के वक्त, मैं बैठ चुका हूँ घर पे, बोर हो रहा था, सोचा क्या करूँ क्या नहीं, तो मुझे पतंग उड़ाने का आज बड़ा ज्यादा मन किया, क्योंकि आज भाई मकर संक्रांति और पतंग नहीं उड़ाया तो क्या उड़ाया। तो अभी एक भाई ने मुझे कॉल किया, बोला आओ साथ में पतंग उड़ाएंगे। अभी हो चुके हैं रेडी, ने कैमरे को हेलमेट में माउंट करते हैं, फिर इसके बाद निकलते हैं हम लोग झरिया, दोस्त के पास जा रहे हैं, उससे आप लोगों को मिलाते हैं। मैंने अपना पर्स भूल गया, मेरे वॉलेट में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो कि नीड होता है, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आईडी प्रूफ, ये सब हमेशा कैरी करना चाहिए, क्या पता कब किसकी नीड हो जाए। तो गाइस हमारी शुरुआत होती है कुछ एकदम पीक एनर्जेटिक रूप से, गाड़ी भी खींचा बहुत अच्छा, इधर पहले हवा डलवाते हैं देन उसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं। हो गया है ठीक है मेरा हवा फिलअप कंप्लीट, अब इधर से निकलते हैं, झरिया जाना है, मकर संक्रांति में उड़ाना है अपन को सबसे पहले पतंग। फाइनली भी भाई आ चुका है ठीक है, इसके साथ इसके घर चलेंगे, पतंग अच्छा खासा उड़ रहा है यार, चलो सबको काट देंगे आगे। तो यहाँ पे भाई का हायाबूसा लगा हुआ और भाई भी ब्लॉग बना रहे हैं। नमस्ते आंटी, मेरा भूसा आगे लगा हुआ, तुम्हारा हायाबूसा तो आगे पे ही है, चलते छत में डायरेक्ट पतंगबाजी करते क्योंकि फिर रात हो जाएगा, हाँ लाइट कम हो जाएगी। तो गाइस फाइनली यहाँ पर सीनू भाई आ चुका है, सीनू भाई के लिए स्पेशल मांझा लपटा रहा है। तो भाई काफी दिनों के बाद ये ऐसे लपेट रहा हूँ ना तो मजा आ रहा है, देखता हूँ कितना आज पतंग काट पाता हूँ, बहुत सारी पतंगे उड़ रही है, दिखाना भाई उधर ऊपर में, इधर देख ले भाई बहुत बहुत ज्यादा, अभी पता नहीं गोपुर में कैच हो रहा होगा या नहीं, लेकिन हमारे घर से बहुत ही ज्यादा पतंगबाजी होता है। एक्चुअली आज मकर संक्रांति नहीं है ना, कल हो गया, इसीलिए आज बहुत कम उड़ रहा है। नहीं तो पहले के मुताबिक ना अभी कुछ नहीं हो रहा, पहले इतना उड़ता था अभी नहीं उड़ रहा, पहले तो भाई मत पूछो, मैं ना अपना हाथ कटवा लिया था मेरा, देखो क्या हुआ था मेरा, अभी भी ये निशान है, ये मानो पूरा उतर गया था, उतर गया था, यही होता ही है, मांझा ही आजकल कैसा है। तो भाई लिटरली इतना ज्यादा मैं लपेट दिया इधर ठीक है, इतना बहुत देर के बाद, मतलब 4-5 सालों के बाद में लपटा इधर, अपना हाथ ना रिस्ट पूरा एकदम टाइट हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि अपन जिम करके आ रहे हैं, पंप ही ले लिया अभी बॉडी। तो फिलहाल अभी भाई आ चुका है ठीक है, इतना सारा पतंग, अब भाई चूज करेगा कौन सा बढ़िया है, कैसे चूज करता था पहले भाई, ऐसे करके ना शायद, हाँ ऐसे करके जो टाइट रहता था वो ज्यादा अच्छा रहता था। मतलब सीनू को भी पसंद करने आता है भाई, चुनने आता है सीनू को भी। हाँ ये सही है, इसे नापते हैं, नापना इसको बोलते हैं शायद, इसको आसमान में खिलाते हैं। अरे वेलकम भाई, वैसे उड़ जाएगा, अरे मतलब भाई का पुराना एक्सपीरियंस है लेकिन हाथ से नहीं उड़ने वाला है बॉस। अभी अपना पतंग इधर है लेकिन हवा वैसा है नहीं, आज सीनू भाई यहाँ पे मस्त पतंगबाजी कर रहे हैं। लो उतर गया, कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, फिर से अटेम्प्ट मारेंगे हम लोग। तो सीनू भाई पूरा परेशान है, एक्चुअली सीनू लेट कर दिया है लेकिन इतना लेट भी मालूम, हवा नहीं है, हवा नहीं, सबका वैसा ही उड़ बस वही है, अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि मुझसे नहीं हो पाया अभी तक। ये भाई मेरे को लग रहा है कि खिला देगा, खिला दोगे ना आज, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस खराब हो चुका है, कोई भी चीज को अगर आप छोड़ोगे ना तो वो खराब ही होता है। अभी बहुत ज्यादा गुड्डी उड़ने लगा, अभी देखो बहुत ज्यादा पतंग उड़ने लगा, अभी देखो कट गया, हाँ सीनू भाई कैसा लगा पतंग तुम काट दिया बॉस, मजा कट गया आकाश बेचारा कट गया भाई सीनू, कट गया भाई सीनू, कोई बात नहीं, एको काट के काटा नहीं, असूल हो गया भाई। तो भाई अभी मैं कट चुका हूँ एको काटने के बाद, एक काट लिया था भाई, भाई मजा आया, सबका कट रहता है, यही चीज मानता है कि नहीं मानता, ये तो है। आज मेरा कटा है, कल तुम्हारा कटेगा, परसों इसका कटेगा, लेकिन कटेगा जरूर। बहुत ज्यादा मजा आया भाई के साथ पतंग उड़ा करके, मैंने एक पतंग काटी भी और दूसरे में कट भी गया, और फिर एक तीसरा काटा, फिर चौथे में कट गया। तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे भाई को जा करके देखते हैं मेहमान नवाजी कैसा करता है, ब्रदर मजा आएगा, क्या बोलते पब्लिक। तो इधर अपना भाई लेकर के आ चुका है मेरे लिए पीठा, इधर मेरा फेवरेट गाजर का हलवा, इधर सेब, लाल काफी ज्यादा टेस्टी है यार, एंड हलवा तो मेरा फेवरेट गाजर का हलवा, गाजर का हलवा मैं घर में ना चोरी छुपे खाता था। आंटी भी आ गई इधर चाय लेकर के, चाय नीम की डालो, चाय में नीम की डालो पहले नहीं नहीं ठीक है।